क्लब फैक्ट्री का बैग। तो मैं हूँ नेहा और आप सबका स्वागत है नेहा के सिलसिला में। आज क्लब फैक्ट्री ने मुझे एक बैग भेजा है जिसको मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो इसके जो ये प्रोडक्ट है, उन्होंने बोला था मुझसे कि मैं कुछ भी ले सकती हूँ, तो मैंने जो लिए थे वो थे ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रोडक्ट। तो आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट आए। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर एक बेली भी ली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो पैकेजिंग है वो काफी अच्छी है, काफी फाइन है, और मोस्टली पैकेजिंग जो है इसकी वो इस तरह की जिपलॉक बैग्स में आती है। और उसके बाद भी फिर आपको ये बबल रैप मिलता है जिससे आपके प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। और ये है मेरे पास सैंडल्स। सैंडल्स काफी अच्छे और बहुत ही बढ़िया निकले हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है सेम वही क्वालिटी है। क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छे निकले हैं। और साइज का एक्चुअली मैंने अभी तक जब भी सैंडल ऑनलाइन खरीदे हैं तब मोस्टली पंगा पड़ता है कि साइज की गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसमें जो साइज चार्ट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही लिया है मैंने ये, और ये बिल्कुल परफेक्ट निकले हैं, बहुत अच्छे निकले हैं। तो इसके सैंडल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, इस तरह से है। और जो भी इसका प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी साथ के साथ। वैसे ये इसका प्राइस है 620, आई थिंक 620। अभी एक्चुअली में मैं आपको वो प्राइस दिखा रही हूँ स्क्रीन पर जिस पर मैंने खरीदा हुआ है, लेकिन आज का जो प्राइस है उस पर कुछ सेल थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसका जो एक्चुअल प्राइस इस टाइम आपको मिलेगा वो भी मैं स्क्रीन पर साथ के साथ दिखा रही हूँ। और जैसा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो कुछ इस तरह से दिखता है, तो मैं जो बताऊंगी वो प्राइस है जिस पर मैंने खरीदा है। ये भी बबल रैप में आया है जिसकी वजह से ये टूटे नहीं या फिर खराब ना हो। और इसमें इस तरह के 8 अलग अलग हुक दिए हुए हैं ऊपर से इसको अटैच करने के लिए, ये भी अलग से दिया हुआ है। ये बच्चों के कमरे के लिए या फिर आपके रूम में जैसे स्कार्फ है या फिर कुछ भी है या जो टॉप होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें। ये है इसका तीसरा पीस, ये भी एक ऑर्गेनाइजिंग किट है। इसमें आप मेकअप के या फिर ट्रैवलिंग किट है, इस पे आपको 1, 2, 3, 4 इस तरह से पीछे आपको यहाँ पर एक हैंगिंग भी मिलेगी। यदि आप चाहें तो इसको डोर पर या फिर कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं, और यदि आप इसको ट्रैवलिंग में कैरी करना चाहें तो भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ये आपको 2 से 3 कलर में अवेलेबल है इस तरह से। इसमें जो अंदर स्पेस है वो काफी अच्छा है, आप इसमें सारी की सारी बोटल्स को कैरी कर सकते हैं, जैसे शैम्पू की बोतल है या फिर जो भी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रहते हैं आप अलग अलग इसमें इजीली कैरी कर पाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसकी कीमत थी इस पर 260। ये भी एक मल्टीपर्पज एंड मल्टीपल पॉकेट किट है, तो इसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हैंगर लगाने का, और ये एक पतले थिन कपड़े में आती है, तो आप इसमें बहुत हैवी आइटम नहीं रख सकते, लेकिन ये कुछ पॉलिथिन बेस पर यूज है तो आप इसमें छोटे प्रोडक्ट इजीली रख सकते हैं, जैसे बच्चों के काफी सारे सामान होते हैं, छोटे छोटे रबर बैंड्स होते हैं या फिर छोटे क्लिप्स होते हैं, इस टाइप के रख सकते हैं आप। या फिर आपके भी कई सारे ऐसे पर्चे होते हैं जो आपको मैनेज करने होते हैं, या फिर जेंट्स एलमिरा होती है, जहां मैंने आपको अपने भी हस्बैंड की एलमिरा में जेंट्स एलमिरा ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया था कि वहां छोटे छोटे सामान होते हैं, पेन ड्राइव्स वगैरह होते हैं। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर ये वाली किट, इसमें 7 पीसेस है, और ये जो 7 पीसेस है ये ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग है वैसे तो, कि आपको छोटा बड़ा सारा सामान जो पैक करना है, यदि आपको शादी में भी जाना है तो आपको साड़ी भी पैक करनी है, ब्लाउजेस है, या फिर आपको घूमने जाना है तो आप टॉप अलग पैक कर सकते हैं और जीन्सेस अलग रख सकते हैं, आप नीचे के ट्राउजर्स अलग कर सकते हैं, आप मतलब बॉटम वियर और टॉप वियर, और उसके साथ कॉस्मेटिक है, मेडिसिन है, उनके लिए अलग अलग पाउचेस है, इस तरह से भी रख सकते हैं। और जो घर का जनरली आपको एलमिरा में ऑर्गेनाइज करना है
तो आप वहां पे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको जरूर एक और अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि आप इस किट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देती हूँ, ये कैसी है। 4, 5, 6, sorry 7 का नहीं है, ये 6 पीसेस का किट है और इसमें सबसे छोटी वाली किट का ये साइज है और ये एक सिंपल पाउच है बिल्कुल। इसमें आप अपनी मेडिसिन वगैरह इजीली कैरी कर पाएंगे। एक इस तरह का इतना बड़ा पाउच है जिसमें आप जनरली कॉस्मेटिक है या फिर आपको गीले कपड़े के लिए एक अलग से बैग रखना होता है, आप उस तरह से भी इसको कैरी कर सकते हैं। एक और है इसी तरह का और यहाँ पर ये 2 पाउचेस अलग से दिए हुए हैं जिसमें आप यदि कुछ अपने यूजेस या फिर कुछ इनर्स को या फिर बॉटम बियर या टॉप बियर को अलग से कैरी करना चाहें तो। और यहाँ पर एक ये वाला किट है आपके कपड़ों के लिए जिसमें आप यदि रोल वाला फोल्ड लगा के कैरी करेंगे तो 4-5 जोड़ी कपड़े आपके आ सकते हैं इसमें। एंड ये मेरे पास लास्ट पीस इसका, ये है एक कार ऑर्गेनाइजर जिसमें कि आपको अक्सर होता है कि सीट के पीछे आप बोतल रख देते हैं, मैगजीन्स रख देते हैं और कई सारे आइटम रख देते हैं जिसकी वजह से जो उसकी सीट कवर है वो काफी खराब हो जाता है। तो ये एक अच्छा पीस है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारी पॉकेट्स दी हुई हैं। सबसे पहले एक बड़ी पॉकेट दी है यहाँ पर, यहाँ पर आप अपने कुछ छोटे आइटम्स रख सकते हैं। ये छोटी पॉकेट है, 4 अंगुल की है लगभग। उसके बाद 2 पॉकेट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक बड़ी पॉकेट मिलती है जहाँ पर आप इस तरह से कुछ रख सकते हैं अपना सामान। यहाँ पर आपको 2 पॉकेट मिलती हैं बोतल लगाने के लिए, वाटर बोतल लगाने के लिए। इसमें आप अपने मोबाइल और इस तरह की चार्जर वगैरह लगा सकते हैं। आप इधर मैगजीन्स, कुछ बुक, यहाँ पर आपको एक बड़ी पॉकेट भी मिलती है। पर तो आपको ये कैसे लगे हैं आप जरूर बताएं, और आपको अच्छे लगे तो आप क्लब फैक्ट्री से इनको खरीद सकते हैं। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी इनकी। तो